हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स गुरु। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी सीरीज चल रही थी फ्लूड डायनेमिक्स और फ्लूड मैकेनिक्स, उसी से रिलेटेड टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल फॉर्म को ड्राइव करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज़ द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो देखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हम कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर एक्सिस है, थ्री एक्सिस है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एक्सिस ओ एक्स, एक ओ वाई और एक ओ जेड। तो थ्री डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस ओ एक्स, वाई एक्सिस ओ वाई और जेड एक्सिस ओ जेड है। और यहाँ पर कोई स्पेस में एक पी पॉइंट है जिसके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट r, थीटा, r, थीटा, z है। तो यहाँ पर r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि पी पॉइंट जो हमारे पास था, जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड है, उस पी पॉइंट से हमने एक्स वाई प्लेन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जब हम एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका एक प्रोजेक्शन यहाँ पर हमें पॉइंट मिल जाएगा, पी डैश पॉइंट। तो ये पी डैश पॉइंट जो है वो पी का प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में पॉइंट। इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो ये जो डिस्टेंस ओ पी डैश आएगी, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू आर, और यही क्या कहलाएगा, इस पी पॉइंट का आर कोऑर्डिनेट कहलाएगा। पी पॉइंट का प्रोजेक्शन हमने एक्स वाई प्लेन में लिया, इस पॉइंट पी डैश को हमने ओरिजिन से ज्वाइन करा, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये इस पी पॉइंट का आर कोऑर्डिनेट होगी। सिमिलरली फिर हम अगर थीटा कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये जो ओ पी डैश लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल पर इंक्लाइंड होगी, वो एंगल अगर थीटा है तो यही कहलाएगा पी पॉइंट का थीटा कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से अगर हम जेड कोऑर्डिनेट की बात करें तो जेड कोऑर्डिनेट होगा इस पी से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन में, पी डैश इसका प्रोजेक्शन मिला है, तो ये पी पी डैश जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस पी पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट कहलाएगी। तो इस तरीके से हमें आर कोऑर्डिनेट, थीटा कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के बारे में यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाती है। तो दीज पॉइंट्स जो भी ये कोऑर्डिनेट हैं, ये इस पी पॉइंट के क्या कहलाएंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बारे में हमने अभी जाना। अभी हम जानेंगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है फ्लूड किसी भी फ्लूड के लिए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम सिलेंड्रिकल फॉर्म में कैसे, क्या होती है और उसे कैसे ड्राइव करेंगे, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल फॉर्म को में ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर एक कंसिडर किया है पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड है। तो ये आर थीटा जेड एक पॉइंट है स्पेस में, वो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर एक पैरेललोपाइप बनाएंगे जो कर्वीलिनियर है, कर्वीलिनियर स्मॉल पैरेललोपाइप बनाएंगे जो छोटे से एक एलिमेंट्री पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा उस फ्लूड के। फ्लूड के अंदर हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया एलिमेंट्री पोर्शन, और उसको हम ये पैरेललोपाइप बनाकर कर्वीलिनियर जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनेगा उसके लिए हम सारा कंसिडरेशन करेंगे। तो वो कैसे बनेगा एलिमेंट, वो उसे देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर इस एलिमेंट को ड्रॉ करना भी थोड़ा सा टफ हो जाता है कई बार। तो हमने यहाँ पर थ्री रेक्टेंगुलर एक्सिस लिया, ये ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, और यहाँ पर हमने ये किस तरीके से बनाना है एलिमेंट उसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक पोर्शन लिया है, और ये एक पोर्शन लिया है किसका, फ्लूड का, जो कि एक एलिमेंट्री पोर्शन है। यहाँ पर ये पोर्शन हमने कंसिडर किया है, इस पोर्शन के अंदर जो हमने ये एलिमेंट्री पोर्शन फ्लूड का कंसिडर किया है, तो यहाँ पर हमने एक यहाँ पर बनाया है छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट, और इस एलिमेंट्री पार्ट के अंदर यहाँ पर जो ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, वो पी पॉइंट की जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कंसिडर करके चल रहे हैं आर थीटा जेड, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड, और आर थीटा जेड इस पी पॉइंट के सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कंसिडर करके चल रहे हैं, और इस पी पॉइंट पर जो डेंसिटी है वो डेंसिटी हम कंसिडर करके चल रहे हैं रो डेंसिटी कंसिडर करके चल रहे हैं, जो कि फंक्शन होगा किसका, आर थीटा जेड और टी का, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में भी चेंज होगा, क्योंकि हम फ्लूड जो मान रहे हैं वो कंप्रेसिबल कंसिडर करके चल रहे हैं। अगर इनकम्प्रेसिबल होगा तो लास्ट में अपने आप डेंसिटी को हमें कॉन्स्टेंट लेकर चलना पड़ेगा, तो इनकम्प्रेसिबल के लिए डेरिवेशन अपने आप बन जाएगा, ठीक है, कंप्रेसिबल की हेल्प से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पी पॉइंट लिया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर करे आर थीटा जेड, इस पी पॉइंट पर जो फ्लूड की डेंसिटी है वो हमने कंसिडर करी रो, जो कि फंक्शन होगा किसका, आर का, थीटा का, जेड का और टी का।
ठीक है। उसके बाद हमने ये जो पी पॉइंट लिया है, इस ये पी पॉइंट हमने लिया है एक एलिमेंट्री जो हमने पैरेलल पाइप बनाया है, यहाँ पर ये एक पैरेलल पाइप बन रहा है कर्विलिनियर कर्व की फॉर्म में। तो इस पैरेलल पाइप के एक कॉर्नर पर हमने पी पॉइंट लिया है और इस पॉइंट के को हमने पी बोल रहे हैं, इसको क्यू बोल रहे हैं, इसको आर बोल रहे हैं और यहाँ पर इसको एस बोल रहे हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये पॉइंट्स कंसिडर किए हुए हैं। इसी के अपोजिट जो फेस है यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये पी डैश, ये क्यू डैश, ये आर डैश और ये पॉइंट यहाँ पर हो गया एस डैश। तो इस तरीके से हमने ये एक यहाँ पर क्या बना लिया, कर्विलिनियर पैरेललोग्राम बना लिया, यानी कि क्यूबॉइड बना लिया। यहाँ पर ये जो क्यूबॉइड बनेगा, इस क्यूबॉइड के कोरस्पॉन्डिंग अगर इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर करें क्या आर थीटा और जेड। अगर हम देखें ये आर इसके कोऑर्डिनेट है इस पी पॉइंट के, तो उस केस में जब हम इस पी पॉइंट से प्रोजेक्शन लेंगे, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम इससे प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन में, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा और ये पॉइंट को ओरिजिन से हम अगर ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। उसके बाद अगर हमने यहाँ पर जो पॉइंट लिया है ये एक इसी के कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट लिया है यहाँ पर आर, और इसका प्रोजेक्शन अगर हम नीचे लेंगे एक्स वाई प्लेन में, तो ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दें, तो यहाँ से ये आर पॉइंट के लिए जो एंगल थीटा में इंक्रीमेंट हुआ है छोटा सा, वो हमें पता लग जाएगा ये इंक्रीमेंट कितना है डेल्टा थीटा। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है, क्योंकि ये एंगल जो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है वही इंक्रीमेंट इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि ये पी और आर या पी और एस पॉइंट इसी आर्क पर आ रहे हैं, तो इस आर्क पर ये एंगल ये भी कितना होगा डेल्टा थीटा होगा। और क्योंकि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने आर कोऑर्डिनेट आर लिया है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी r, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो p पॉइंट का r कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी। जब ये r लिया हुआ है तो ये डिस्टेंस भी r होगी, और अगर ये डिस्टेंस r है तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर ये भी कितनी होगी r, और ये एंगल कितना डेल्टा थीटा, और ये यहाँ पर एक आर्क आ रही है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब कोई आर्क सेंटर पर कोई एंगल सब्टेंड करती है तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू होती है एंगल मल्टीप्लाई बाय जो एंगल वो सब्टेंड कर रही है वो एंगल मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो रेडियस है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर्क पी एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। तो यहाँ से अगर हम ये डिस्टेंस देखें तो ये जो हमने सबसे पहले स्मॉल कर्विलिनियर पैरेलल पाइप कंसिडर कर लिया, जिसकी एजेस अगर हम देखें तो एस एस डैश, यानी कि यहाँ से एस डैश तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने आर थीटा जेड लिए हैं और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर पॉइंट पी डैश आएगा, इसके कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर कर लिए आर प्लस डेल्टा आर, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो थीटा कोऑर्डिनेट वही रहेगा क्योंकि इसी लाइन पर ही आ रहा है, तो थीटा कोऑर्डिनेट वही रहेगा, जेड भी वही रहेगा। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक पीपी डिस्टेंस, पीपी डैश डिस्टेंस जो होगी, पीपी डैश डिस्टेंस या एस एस डैश डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस किसकी इक्वल होगी जितना आर की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, इट मीन्स डेल्टा आर की। अब एस पी डिस्टेंस की बात करते हैं, ये एस पी ये वाली आर्क आती है, तो ये वाली आर्क सेंटर पर जो एंगल सब्टेंड कर रही है वो हमारे पास कितना है डेल्टा थीटा, और ये रेडियस कितनी है आर, तो हम जानते हैं आर्क इज इक्वल टू एंगल सब्टेंडेड एट सेंटर मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो आर डेल्टा थीटा यहाँ पर हमारे पास एस पी की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली एज आ जाएगी। उसके बाद पी क्यू की बात करें तो पी क्यू ये जो डिस्टेंस है पी क्यू, क्योंकि ये वर्टिकली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर अगर जेड कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस जेड लिया हुआ है तो यहाँ पर क्यू पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो जेड होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको हमने पी क्यू इंक्रीमेंट को कंसिडर किया कितना डेल्टा जेड। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये जो है इसकी पहले लोग पाइप की हमें साइड्स या एजेस कंफर्म हो गई हैं। उसके बाद बात आती है कि इसके हमने वेलोसिटी पी पॉइंट पर पार्टिकल की कुछ तो होगी, तो पी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटीज को हमने कंसीडर किया है जो जिसमें रेडियस वेक्टर इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि पी पी डैश, इसके अलोंग रेडियस वेलोसिटी को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर क्यू आर, और यहाँ पर जो पी एस है पी एस, इसके अलोंग एंगल चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी कंपोनेंट को इस डायरेक्शन में कंसीडर किया हमने क्यू थीटा, क्यू थीटा। और इसी तरीके से पी एस पी क्यू के अलोंग जो चेंज हो रहा है वो जेड चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने वेलोसिटी कंपोनेंट को कंसिडर किया है क्यू जेड, क्यू जेड। इस तरीके से हमने ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कंसिडर किए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आल्सो लेट क्यू आर इज द रेडियस, क्यू आर, क्यू थीटा एंड क्यू जेड आर द वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स अलोंग, कौन कौन सी साइड के अलोंग, क्यू आर यहाँ पर एस एस डैश के अलोंग, यानी कि इस के अलोंग जहाँ पर रेडियस वेक्टर में इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस वेक्टर आर था, इसके आगे जाएगा तो डेल्टा आर का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये एस एस डैश इज इक्वल टू किसकी डायरेक्शन में, रेडियस इंक्रीजिंग की डायरेक्शन में, तो इसलिए वेलोसिटी कंपोनेंट क्यू आर लिया है। उसके बाद आर्क एस पी, एस पी के अलोंग क्या चेंज हो रहा है, एंगल इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर एस पी के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट को हम क्यू थीटा से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरीके से पी क्यू, पी से क्यू जा रहे हैं तो यहाँ पर जेड इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पी तक ये हाइट जेड थी और उसके ऊपर जाएंगे तो जेड बढ़ेगा, तो इसलिए हमने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करें
क्यू जेड से। तो इस तरीके से हमने ये वेलोसिटी कंपोनेंट और साइड्स वगैरह कंसिडर कर लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसा कि हमने लास्ट डेरिवेशन में डिस्कस किया था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ड्राइव करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ का यूज़ करते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ के यूज़ करने के लिए पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि इस फेस पी क्यू आर एस इस फेस के अलोंग कितना फ्लूड पर यूनिट टाइम में एंटर होगा। तो पहले ये फाइंड आउट करने थे मास ऑफ फ्लूड दैट पासिस इन थ्रू द फेस पी क्यू पी एस आर क्यू। तो पी एस आर क्यू फेस के अलोंग कितना मास ऑफ फ्लूड एंटर हो रहा है पर यूनिट टाइम में, तो वो हम जानते हैं मास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, हमने कंसीडर किया है रो। अब वॉल्यूम की बात आती है तो वॉल्यूम के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट भी एक लेंथ है तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो जाएगा। तो यहां पर एरिया जो इस फेस का होगा, एरिया अगर इस फेस का निकालें पी एस आर क्यू इस फेस का एरिया निकालें तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप बनेगी अगर ये बहुत स्मॉल है। तो हम इसे रेक्टेंगल ही कंसिडर करके चल रहे, रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम इस पोर्शन को। तो यहाँ पर ये फेस भी रेक्टेंगल बनेगा, तो रेक्टेंगल अगर बन रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या कोई भी दो साइड्स की प्रोडक्ट के इक्वल। तो यहाँ पर रेक्टेंगल में दो साइड, यहाँ पर एक ये साइड हमने पी क्यू साइड कितनी थी हमारे पास, पी क्यू साइड हमारे पास थी डेल्टा जेड, और दूसरी ए साइड इसकी है ये ब्रेथ हो जाएगी पी एस, और पी एस किसके इक्वल है हमारे पास आर डेल्टा थीटा। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा ये दोनों साइड्स की प्रोडक्ट, यानी कि पी क्यू इंटू पी एस। तो पी क्यू हमारे पास है डेल्टा जेड और पी एस है हमारे पास आर डेल्टा थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड, ये हमारे पास आ गया यहाँ पर एरिया। उसके बाद बात आती है कि लेंथ और कौन सी आएगी, तो यहाँ पर यूनिट टाइम में हम बात कर रहे हैं कितना फ्लूड एंटर हो रहा है, तो यूनिट टाइम मतलब टाइम वन के लिए। तो हम जानते हैं वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी की हम बात करें तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी स्पेस से जब एंटर होगा तो डायरेक्शन आर इंक्रीमेंट की जाएगा, यानी कि वेलोसिटी जो होगी वो क्यू आर होगी, और वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जैसे ही हम टाइम को वन कर देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट ही वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का काम करेगी, यानी कि डिस्टेंस का या लेंथ का। तो यानी कि यूनिट लेंथ में यूनिट टाइम में जो क्यू आर है वेलोसिटी वो डिस्टेंस लेंथ का काम करेगी। तो एरिया वेलोसिटी वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया, इसका मतलब एरिया जो कि आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड आया था, मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो कि किसके इक्वल आ रही है पर यूनिट टाइम के लिए क्यू आर के इक्वल। तो इस तरीके से हमारे पास यहां से जो है वो वॉल्यूम आ गया पर यूनिट टाइम में, कितना वॉल्यूम ऑफ मास एंटर होगा इस फेस से पी एस आर क्यू से। अब देखते हैं मास ऑफ फ्लूड जो एंटर हुआ है वो आउट भी होगा, तो जब इस फेस से एंटर हुआ है किस फेस से पी एस आर क्यू से एंटर हुआ है, तो इसके अपोजिट फेस यानी कि पी डैश एस डैश आर डैश क्यू डैश से आउट होगा। तो जब इस फेस से यहाँ पर आउट होने वाला है फ्लूड तो कितना फ्लूड आउट होगा वो फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ जान रहे हैं कि ये जो मास आया है ये मास किसका फंक्शन आएगा, ये मास फंक्शन आएगा आर थीटा और जेड का, क्योंकि टाइम तो हमने वन रख दिया। तो वेरिएबल क्या बचे इसमें, आर भी थीटा भी और जेड भी, ये वेरिएबल बचे। तो ये फंक्शन किसका आएगा, आर का थीटा का और जेड का। अब दूसरे फेस पर हम जब जाएंगे, यहाँ पर इस वाले फेस पर हम जाएंगे तो इस वाले फेस के अकॉर्डिंग हाइट यानी कि जेड भी सेम रहेगा, एंगल हर एक पॉइंट के लिए जो यहां था उसके लिए वो यहीं पर यहां पर भी सेम रहेगा, यानी कि थीटा भी सेम रहेगा, यानी कि चेंज किस में होगा इससे इसमें जाने पर, आर में चेंज आएगा, जेड सेम रहेगा थीटा सेम रहेगा, यानी कि आर चेंज होगा, आर में इंक्रीमेंट। यहां पर आर यानी कि ये डिस्टेंस आर थी, तो जब यहां से यहां पी डैश पर पहुंचेंगे तो ये डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, तो वो हमने कंसीडर किया हुआ इंक्रीमेंट कितना डेल्टा आर। तो इसका मतलब ये जो पी डैश पॉइंट पर दूसरे फेस पर हम जाएंगे तो उसके लिए मास ऑफ फ्लूइड दैट पासिस आउट थ्रू अपोजिट फेस पी डैश एस डैश आर डैश क्यू डैश, इस फेस से जो मास ऑफ फ्लूड आउट होगा उसमें बस ये चेंज आएगा कि थीटा और जेड तो सेम रहेगा, बस आर जो है वो चेंज होकर कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमने कंसिडर करा वो इंक्रीमेंट डेल्टा आर का हुआ है, तो वो फंक्शन ऑफ आर प्लस डेल्टा आर कॉमा थीटा कॉमा जेड की फॉर्म में आएगा पर यूनिट टाइम के लिए। अब अगर हम इसे टेलर सीरीज से एक्सपेंड करें, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था कि टेलर सीरीज का एक्सपेंशन आप लोगों ने बीएससी में फर्स्ट या ग्रेजुएशन में आपने वन वेरिएबल के लिए डिस्कस किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है। वो क्या होता है कि एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए अपॉन वन फैक्टोरियल देन एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, ये एक्सपेंशन होता है टेलर सीरीज से। यानी कि अगर x की कोऑर्डिनेट में a था और उसमें h का बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट किया तो एक्सपेंशन इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये है, हमने r की वैल्यू में बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा r किया हुआ है, तो एक्सपेंशन डेल्टा r की पावर में करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर a जो है वो एज इट इज एफ ए, उसके बाद h आएगा जो इंक्रीमेंट किया इंटू उसका फंक्शन का डेरिवेटिव जिसके रेस्पेक्ट में चेंज किया उसी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमारे r प्लस डेल्टा r में r का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग पहले तो ये फंक्शन f एज इट इज आएगा, यानी कि एफ आर पर
थीटा और जेड था तो वो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो एफ आर थीटा जेड, फिर प्लस इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है डेल्टा आर का, तो एच की जगह पर डेल्टा आर एज इट इज आएगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग डेल्टा आर, और फिर जिसमें इंक्रीमेंट हो रहा है आर कोऑर्डिनेट में तो आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किसका, जो फंक्शन था एज इट इज उसका, फिर प्लस हायर पावर्स आ जाएंगी। ये टेलर सीरीज से इसका, टेलर थ्योरम से इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। अब ये इक्वेशन टू हमारे पास आई है कि कितना मास पर यूनिट टाइम में आउट हुआ है, और ये इक्वेशन वन आया था पर यूनिट टाइम में कितना मास जो है वो एंटर हुआ है। तो अगर हम नेट गेन ऑफ मास निकालें, यहाँ से एंटर हुआ यहाँ से आउट हुआ, तो जितना गेन इसके अंदर रह गया इस फेस के अंदर, यहाँ से एंटर हुआ पी क्यू आर एस से और इससे पी क्यू डैश आर डैश एस डैश से आउट हुआ है, तो यहाँ से कितना फ्लूड एंटर होने के बाद या आउट होने के बाद इसके अंदर कितना गेन रह गया वो अगर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर देंगे कि जो फ्लूड एंटर हुआ था उसमें से आउट होने वाले फ्लूड को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो एंटर हुआ था फ्लूड उसका अमाउंट था एफ आर थीटा जेड, ठीक है, और जो आउट हुआ है वो फ्लूड हमारे पास ये इक्वेशन टू में है। तो एफ आर थीटा जेड, ये जो अमाउंट ऑफ फ्लूड एंटर हुआ था उसमें से जो इक्वेशन टू के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ फ्लूड आया है, मास आया है उसका, उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस एफ आर थीटा माइनस प्लस एफ आर थीटा कैंसिल, बाकी ये रह जाएगा और हायर डिग्री की टर्म बचेगी डेल्टा आर की फॉर्म में, क्योंकि डेल्टा आर बहुत स्मॉल है तो जितनी पावर इंक्रीज करेंगे और छोटा जीरो की क्लोज जाएगा, तो इसने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हायर ऑर्डर को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास नेट गेन इन मास ऑफ द फ्लूड मिल जाता है माइनस डेल्टा आर डेल ओवर डेल आर ऑफ एफ आर थीटा जेड। अब यहाँ पर आर थीटा जेड, एफ आर थीटा जेड की वैल्यू क्या थी वो हमने किसे कंसिडर करा था, एफ आर थीटा जेड ये किसे कंसिडर करा था, इस वैल्यू को कंसिडर करा था इक्वेशन वन में, ये किसके इक्वल था रो आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड क्यू आर। तो हम इसके प्लेस पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो हमने यहां पर इसकी प्लेस पर इसकी वैल्यू रख दी है रो माइनस डेल्टा आर डेल ओवर डेल आर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर ऑफ रो आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड इंटू क्यू आर। अब इसमें से आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो बाकी वैल्यूज जो फंक्शन थीटा और जेड का है वो कांस्टेंट रहेगा, इट मीन्स ये डेल्टा थीटा भी कांस्टेंट रहेगा और डेल्टा जेड भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव के आर के रेस्पेक्ट में इसलिए कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएंगे। तो माइनस डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर ऑफ रो आर क्यू आर आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें ये वो फ्लूड मास ऑफ फ्लूड पता लग गया जो कि गेन हो रहा है एलिमेंट के अंदर जब हम फ्लो किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, फेस पी क्यू आर एस से किसकी डायरेक्शन में, पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश के लोग, तो ये मास ऑफ गेन हमें मिल गया। इसी तरीके से हम सिमिलरली द नेट गेन इन द मास ऑफ फ्लूड पर यूनिट टाइम थ्रू द फ्लो इन ओवर फ्लो आउट किस फेस से हो, एस आर एस डैश एस आर आर डैश एस डैश एंड क्यू पी पी डैश क्यू डैश। तो डायग्राम में हम इस डायरेक्शन को देख लेते हैं, तो जब हम यहाँ पर देखेंगे किस फेस की बात कर रहा है, ये एस एस आर, यहाँ पर हम बात करें एस आर आर डैश एस डैश, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगी, एस आर आर डैश एस डैश ये वाला फेस एस आर आर डैश एस डैश। तो जरा एक बार हम इस फेस के अलोंग जब एंटर होगा और दूसरे वाले फेस के अलोंग यानी कि पी पी डैश क्यू डैश क्यू इससे आउट होगा तो उस डायरेक्शन में कितना मास ऑफ फ्लूड गेन हो रहा है वो अब हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक क्या है ये डायरेक्ट निकालने के लिए। तो जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमने वैल्यू निकाली थी ये वाली वैल्यू जब निकाली थी, तो पहले एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास साइड्स क्या थी और उनकी डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले एक बार देख लेते हैं साइड्स क्या थी और वेलोसिटी क्या थी। तो हमारे पास यहाँ पर जो साइड्स थी इस डायग्राम में हम अगर देखें तो यहाँ पर जो आर इंक्रीमेंट की डायरेक्शन है यानी कि ये जो दोनों फेसेस के अलोंग जा रहा था फ्लो इसके अलोंग, तो इसके डायरेक्शन में जो हमारे पास साइड थी ये पी पी डैश, ये साइड थी हमारे पास डेल्टा आर डेल्टा आर, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी हमारे पास क्यू आर। उसके बाद देखते हैं दूसरी डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर एक और डायरेक्शन है इसकी, जब हम अभी भी इस वाले फेस की बात कर रहे हैं तो इस वाले फेस से इस वाले फेस में जब जाएंगे तो चेंज क्या होगा, थीटा चेंज होगा, तो इसके अलोंग जो साइड है वो साइड कौन सी आएगी यहाँ पर पी एस, तो साइड आएगी पी एस, और पी एस साइड के अलोंग डिस्टेंस कितनी है इस साइड की, अभी हमने निकाली थी आर डेल्टा थीटा, तो ये आर डेल्टा थीटा आ जाएगा, और पी एस जो साइड है इसके अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट हमने क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है तो हमने क्या कंसीडर करा था क्यू थीटा, तो यहां पर वेलोसिटी हो जाएगी क्यू थीटा। उसके बाद दूसरी एक और साइड है, ये साइड हो गई, नेक्स्ट फिर हम एक और डायरेक्शन देखेंगे अभी यहां पर, ये वाली डायरेक्शन,
इस फेज से पी एस क्यू एस डैस पी डैस इससे एंटर होगा अमाउंट ऑफ फ्लूड और इसके ये वाले फेज से आउट होगा, तो इससे इस डायरेक्शन में यानी कि पी से क्यू की डायरेक्शन में जाएंगे, तो पी से क्यू की डायरेक्शन में जो साइड होगी वो पी क्यू किसके इक्वल होगी, अभी हमने डिस्कस किया था इस साइड में पी से क्यू जाएंगे तो पी पर जेड कोऑर्डिनेट जेड था, क्यू पर कुछ बढ़ जाएगा तो यहाँ पर डेल्टा जेड इंक्रीमेंट होगा पी क्यू की वैल्यू साइड, और इस साइड के अलोंग वेलोसिटी हमने क्या कंसिडर करी है क्यू जेड। तो आप लोगों को मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिसके अलोंग हम जब भी एक फेज से एंटर होकर दूसरे फेज से फ्लूड और मास ऑफ फ्लूड आउट होगा तो उस डायरेक्शन में हम वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ये सब सब्ट्रैक्ट करके एक इक्वेशन वन और इक्वेशन टू निकाल कर जो हमने किया है वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट ट्रिक क्या है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम इस डायरेक्शन में यहाँ पर काम कर रहे थे, कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहे थे हम यहाँ पर काम कर रहे थे कि सिमिलरली द नेट गेन इन मास ऑफ द फ्लूड पर यूनिट टाइम थ्रू द फ्लो इन ओवर फ्लो आउट ऑफ द फेस एस आर आर डैश एस डैश क्यू पी पी डैश क्यू डैश, तो ये जो फेस है एस आर आर डैश एस आर एस एस आर आर डैश एस डैश इस फेस और इस फेस की ये बात कर रहा है पी क्यू क्यू डैश पी डैश, तो इस फेस के अलोंग जब फ्लूड एंटर होगा यहाँ से और यहाँ से आउट होगा तो इस फेस के अलोंग जो चेंज है वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है पी एस के अलोंग, तो पी एस के अलोंग जब हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर है निकालने की कि जो भी मास ऑफ गेन फाइंड आउट होना है उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, जैसे पी एस डायरेक्शन में हो रहा है पी एस साइड है हमारी तो मास ऑफ टोटल मास ऑफ गेन इसमें के अलोंग हो जाएगा पी एस साइड डेल ओवर पी एस साइड, यहाँ पर डेरिवेटिव में आएगा जो भी पी एस है वो यहाँ पर आ जाएगा डेरिवेटिव की फॉर्म में यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डेंसिटी आ जाएगी जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, किस डायरेक्शन में पी एस की डायरेक्शन में, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग टू साइड्स, तो रिमेनिंग टू साइड्स क्या रह जाती है यहाँ पर, एक तो साइड रह जाती है जो डेल्टा आर वाली थी इट मीन्स साइड पी पी डैश और एक और साइड रह जाती है यहाँ पर पी क्यू, तो इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें पी एस कुछ यहाँ पर पी एस हमारा कितना था, पी एस हमारा था यहाँ पर आर डेल्टा थीटा, तो पी एस की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आर डेल्टा थीटा डेल ओवर पी एस यहाँ पर आएगा यानी कि आर डेल्टा थीटा और ब्रैकेट में आएगा रो क्यू पी एस, क्यू पी एस यानी कि पी एस के अलोंग जो वेलोसिटी थी वो हमारी थी क्यू थीटा मल्टीप्लाई बाय पी पी डैश जो अदर टू साइड है वो साइड थी डेल्टा आर और पी क्यू साइड थी हमारे पास डेल्टा जेड, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास फ्लो इन ओवर फ्लो आउट आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें से अब जब हम थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने पर यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहेगा, थीटा के रेस्पेक्ट में करने पर डेल्टा और डेल्टा जेड, तो ये दोनों टर्म बाहर आ जाएगी और यहाँ आर से आर कैंसिल आउट हो चुका होगा तो बाकी वैल्यूज क्या रह जाती है ये जब बाहर आ जाएगी, तो डेल्टा आर डेल्टा जेड डेल्टा थीटा माइनस में बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑफ पी इंटू क्यू थीटा आ जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल्टा डेल्टा थीटा डेल्टा जेड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑफ पी इंटू क्यू थीटा। सिमिलरली हम बाकी एक और डायरेक्शन बची है, अभी हमने फ्लूड एंटर गेन कितना हुआ है इस फेज से एंटर होकर इस फेज से आउट होने पर वो हमने पहले निकाला इक्वेशन थ्री से, दूसरी इक्वेशन में जब इससे एंटर हुआ यानी कि पी पी डैश क्यू डैश क्यू से एंटर हुआ और एस एस डैश आर डैश आर से आउट हुआ तो उसके अलोंग हमने इक्वेशन फोर से अभी निकाला है। एक और डायरेक्शन बचती है वो नीचे वाली डायरेक्शन बचती है एस एस डैश पी डैश पी से अगर एंटर होता है और ये ऊपर वाली इस वाले फेज से आउट होता है यानी कि आर आर डैश क्यू डैश क्यू से, तो उस डायरेक्शन के लिए टोटल मास गेन ऑफ मास क्या होगा, तो वो भी हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आल्सो द नेट गेन इन मास ऑफ फ्लूड यूनिट टाइम इन द एलिमेंट थ्रू द फ्लो इन ओवर फ्लो आउट ऑफ द फेस पी एस डैश एस डैश एस एस डैश पी डैश एंड क्यू आर डैश आर आर डैश क्यू डैश, तो इससे भी हम इसी तरीके से फार्मूले से निकाल सकते हैं कि जब हम यहाँ पर किस डायरेक्शन में चल रहे हैं फ्लो हो रहा है, ये नीचे वाला जो पी एस एस डैश पी डैश है इस फेस से एंटर हुआ है और ऊपर वाला फेस ये जो वाला है यानी कि क्यू आर आर डैश क्यू डैश इस फेस से फ्लूड आउट हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या चेंज हो रहा है कि इस डायरेक्शन में जेड चेंज हो रहा है, तो यानी कि ये वाली साइड के अलोंग निकालेंगे किसके साइड के अलोंग पी क्यू के अलोंग, तो पी क्यू के अलोंग, तो यहाँ पर जब हम ये देख रहे हैं मेथड जो अभी हमने डिस्कस किया जब हम पी क्यू के अलोंग निकालेंगे तो नेट चेंज आएगा माइनस पी क्यू साइड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पर पी क्यू आएगा और किसका डेरिवेटिव आएगा पी क्यू की डायरेक्शन में वेलोसिटी इट मीन्स क्यू जेड इंटू रो इंटू अदर टू साइड्स कौन सी बचती हैं पी क्यू के अलावा, ये एक तो पी पी डैश और एक पी एस, पी पी डैश कितना है डेल्टा आर और पी एस कितना है डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा, तो जब हम यहाँ से पी क्यू की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर पी क्यू हमारा कितना था डेल्टा जेड डेल ओवर पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो डेल्टा जेड पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड ऑफ
क्यू जेड इंटू रो इंटू डेल्टा आर इंटू डेल्टा आर इंटू ये डेल्टा डेल्टा थीटा, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो जब हम इसे आर डेल्टा थीटा आ जाएगी यहाँ से, तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू रिप्लेस करने पर आर डेल्टा थीटा ही आएगा। तो यहाँ से क्या क्या कॉन्स्टेंट है, एक तो जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आर डेल्टा थीटा कॉन्स्टेंट है और डेल्टा आर, तो अंदर क्या रह जाएगा रो और क्यू जेड रह जाएगा। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पर देखें तो सॉल्व करके ये आ जाएगा माइनस डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड ऑफ रो आर क्यू जेड, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी आर कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस आर डेल्टा थीटा डेल ओवर डेल जेड ऑफ रो क्यू जेड वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास वो फ्लूड की आ जाती है जो कि किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है जो कि इस फेस से पी एस एस डैश पी डैश से एंटर हुआ और क्यू आर आर डैश क्यू डैश से आउट हुआ, तो नेट गेन ऑफ मास इन एलिमेंट कितना होता है वो हमने ये निकाल लिया। ठीक है, इसमें टेलर सीरीज एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, अगर आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक याद है पता है कन्फर्म। उसके बाद एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा ये शॉर्ट ट्रिक। उसके बाद टोटल रेट ऑफ मास फ्लो इनटू द एलिमेंट पर यूनिट टाइम में कितना रेट ऑफ फ्लूड का मास एंटर हुआ है एलिमेंट के अंदर गेन हुआ है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये तीनों जो हमने निकाले हैं इक्वेशन थ्री से गेन ऑफ मास निकाला है वो माइनस डेल्टा डेल्टा थीटा डेल्टा जेड और ये वैल्यू डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर ऑफ रो आर क्यू आर आया। इक्वेशन फोर से ये आया दूसरी डायरेक्शन में डेल्टा डेल्टा थीटा डेल्टा जेड और ये वैल्यू आई है इक्वेशन फोर से, और इक्वेशन फाइव से ये आई है ये वैल्यू। इन सबको हम टोटल कर देंगे ऐड कर देंगे तो टोटल रेट ऑफ मास फ्लो इनटू द एलिमेंट निकल आएगा ये ऐड करने के बाद। सब में डेल्टा डेल्टा थीटा डेल्टा जेड कॉमन था तो सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम जैसा कि निकालने क्या जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो कि कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ से निकलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये मास ऑफ फ्लूड जो निकाला वो एक तरीके से निकाल लिया जो एंटर हुआ है गेन हो रहा है फ्लो के कारण, और दूसरा हम गेन ऑफ मास वैसे भी निकाल सकते हैं कि किसी टी टाइम में कितना फ्लूड उसके अंदर रहेगा एलिमेंट के अंदर। तो एलिमेंट पैरेलल पाइप था तो पैरेलल पाइप का जितना मास है वो निकालेंगे, और मास किसके इक्वल होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी हमारे पास कितना है रो और वॉल्यूम कितना होगा पाइप का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि तीनों साइड्स की प्रोडक्ट। तो तीनों साइड्स हमारी क्या क्या थी यहाँ पर, एक साइड पीपी डैश थी जो कि डेल्टा आर थी, एक पीक्यू थी जो कि आर डेल्टा थीटा थी, एक पीक्यू थी जो कि डेल्टा जेड थी। तो तीनों साइड्स की प्रोडक्ट करेंगे तो आर डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ये टोटल मास आ जाएगा किसी टी टाइम में कितना मास ऑफ फ्लूड उसके अंदर है। उसके बाद टोटल रेट ऑफ मास इंक्रीज विद इन द एलिमेंट, रेट की जब बात करता है इसका मतलब डेरिवेटिव करना होगा किसके रेस्पेक्ट में टाइम के, तो ये टोटल मास था रेट ऑफ मास निकालना है तो टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। जब टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कांस्टेंट क्या रहेगा इसमें टी को छोड़कर बाकी सब वेरिएबल, तो यहाँ पर आर कांस्टेंट है डेल्टा आर कांस्टेंट है डेल्टा थीटा कांस्टेंट है डेल्टा जेड, रो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि रो तो फंक्शन है आर का थीटा का और जेड का तीनों का और टी का भी, तो इसलिए यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं है तो यही रह जाएगा डेरिवेटिव में बाकी सब बाहर। इक्वेशन सेवन से हमने निकाल लिया कि टोटल रेट ऑफ मास इंक्रीज कितना हुआ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जितना मास उसके अंदर गेन हो रहा है वही उसके अंदर अमाउंट आ रहा होगा। इफ द देर इज नो सोर्स और सिंक, यानी कि कोई सोर्स नहीं है फ्लूड का और ना ही सिंक है जहाँ पर वो एब्जॉर्व हो रहा है, तो देन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग द टोटल रेट ऑफ मास फ्लो इनटू द एलिमेंट जितना फ्लो उसके अंदर किया है वही इंक्रीज हो रहा होगा, दैट रेट ऑफ मास इज इंक्रीज, उतना ही टोटल रेट ऑफ मास इंक्रीज हो रहा होगा। तो इक्वेशन जो ये अभी टोटल हमने निकाला था टोटल रेट ऑफ मास जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो तीनों इक्वेशंस को ऐड करके वही हमारे पास ये आया था इक्वेशन सिक्स में, और ये हमारे पास अभी लास्ट में आया जो हमने रेट ऑफ मास जो निकाला है उसके अंदर एलिमेंट के अंदर वो ये सॉल्व करके आया था। दोनों को इक्वल रख देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यूज आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड ये सब कट जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू जब एक साइड सब ले जाएंगे तो सॉल्व करके ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ चुकी है जो कि किस फॉर्म में सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो मेन बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें किसी भी साइड के अलोंग जो नेट गेन ऑफ मास होना है पर यूनिट टाइम में तो वो कैसे निकालना है उसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर हमारे पास साइड की जो लेंथ है वो ये इस तरीके से गिवन है, एक लैम्डा डेल्टा अल्फा है, दूसरी म्यू डेल्टा बीटा है, तीसरी न्यू डेल्टा कामा है इस तरीके से, और इनकी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमारे पास अगर इस डायरेक्शन में यू इसमें वी और इसमें डब्लू है, तो नेट गेन
ऑफ मास ऑफ फ्लूड अलोंग, अगर हम ये वाली साइड के अलोंग निकाल रहे हैं तो इस फर्स्ट साइड के अलोंग जो होगा वो मास, नेट गेन ऑफ मास इज इक्वल टू होगा किसके, ये साइड माइनस दिस साइड, ठीक है, डेरिवेटिव ये वैल्यू जो भी साइड है एज इट इज आएगा लैम्डा डेल्टा अल्फा ऑफ वेलोसिटी इसके अलोंग कितनी है वो वेलोसिटी आएगी मल्टीप्लाई बाय अदर टू साइड। तो दूसरी टू साइड्स कौन सी हैं, यहाँ पर एक तो है म्यू डेल्टा बीटा और एक और साइड है यहाँ पर हमारे पास न्यू डेल्टा गामा, इस तरीके से। तो यहाँ से ये डायरेक्ट मेथड है फ्लो इन ओवर फ्लो आउट निकालने का, यानी कि किसी फेज से अगर अमाउंट एंटर हुआ है और दूसरे से आउट हुआ है तो दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगाने की जरूरत नहीं है और दोनों को माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं अगर हमें साइड्स और उन साइड्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी कन्फर्म है। तो यहाँ पर जब हम डिस्कस कर रहे थे अभी ये क्वेश्चन तो उसमें भी यही कहानी थी कि हम जब इसलिए मैंने वो एक्सप्लेन किया था कि पहले साइड्स निकाल ली तीनों, उन साइड्स के अलोंग एक के साइड के अलोंग वेलोसिटी क्यू आर थी, दूसरे के अलोंग क्यू थीटा थी, तीसरे के अलोंग क्यू जेड थी और तीनों साइड्स मैंने यहाँ पर लिखी थी, एक साइड थी डेल्टा आर, एक साइड थी आर डेल्टा थीटा और एक साइड थी डेल्टा जेड। तो जब हम वेलोसिटी निकाल रहे थे कि जब डेल्टा आर वाली साइड के अलोंग निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा नेट गेन ऑफ मास, तो माइनस डेल्टा आर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव डेल्टा आर और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आएगा वेलोसिटी इसके अलोंग यू मल्टीप्लाई बाय अदर टू साइड, अदर टू साइड हमारे पास क्या थी आर डेल्टा थीटा और आर डेल्टा जेड। तो ये सॉल्व करके हमें जो डायरेक्शन है उसके अलोंग जो साइड जिसमें डेल्टा आर इंक्रीमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फ्लो के लिए नेट गेन ऑफ मास फ्लूड अलोंग फ्लो अलोंग दिस साइड निकल आएगा। सिमिलरली बाकी दो के लिए भी निकाल सकते हैं और उनको ऐड कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अब समझ में आ जानी चाहिए किस फॉर्म में, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में थी। और अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो एक बार फिर से आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, प्ले करेंगे अगेन तो आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और साथ ही साथ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपके अदर फ्रेंड्स जो भी हैं उनका भी बेनिफिट हो सके। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।